Friends, welcome back to my channel Learn English with Ram. Friends, aaj hum another important topic active and passive voice ke bare mein discuss karenge. Passive voice ka istemal kab kiya jata hai, kaise kiya jata hai aur kyon kiya jata hai, in sabhi baaton ko aaj hum is video mein discuss karenge aur video ke last mein hum kuch sentences ki practice bhi karenge ताकि आपका पैसिव वॉइस से संबंधित सारा कंफ्यूजन दूर हो सके. सो चलिए शुरू करते हैं. मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है समवन किल्ड कल्पना और कल्पना वाज किल्ड. आपको ये लाइन याद आ गई होगी. आमिर खान ने गजनी नाम की मूवी में अपनी बॉडी पर लिखवाया था कल्पना वाज किल्ड. क्यों? क्योंकि उसका मेन फोकस था ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट रखने का. वो याद रखना चाहता था कि कल्पना को मार दिया गया है. फ्रेंड्स, जब हमें ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट दिखाना हो तब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि स्कूलों में आपने सुना होगा कि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि घंटी बजा दी गई है. कोई ये नहीं कहता कि चपरासी ने घंटी बजाई, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट जो है द बेल हैज बीन रंग, मेन फोकस उसको दिखाना है. और न्यूज़पेपर्स में भी आप अक्सर पढ़ते हो 5 persons were killed and 4 injured, were killed, पैसिव वॉइस में अक्सर सेंटेंस मिलते हैं. सो हम आगे और कुछ सेंटेंसेस की मदद से सीखते हैं. फॉर एग्जांपल, राम राइट्स अ लेटर, अ लेटर is written by Ram. Ram एक पत्र लिखता है. Ram के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है. Meaning is same, but there are two ways of expressing an action using a transitive verb. Transitive verb का इस्तेमाल करते हुए हम दो ढंग से एक बात को कह सकते हैं. यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है. ट्रांजिटिव वर्ब मींस दैट हैज एन ऑब्जेक्ट, जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो. जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते. जैसे कि द बेबी लाफ्ड लाउडली, बिकॉज लाफ इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते. सो आगे हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स टू चेंज द वॉइस. वॉइस को किन स्टेप्स में चेंज किया जाता है? नंबर वन, चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट एंड वॉइस वर्सा. किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है पैसिव वॉइस में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है. जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम, सी हर, दे देम और इट को इट में चेंज किया जाता है. थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप इज पुट अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ टू बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये पॉइंट पैसिव वॉइस बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि टू बी का कोई ना कोई रूप पैसिव वॉइस में जरूर आता है. टू बी का रूप मींस इज एम आर वाज वर बी बीइंग और बीन, इनमें से कोई ना कोई एक रूप 100% आता है. और ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. हियर वन थिंग इज आल्सो शुड बी रिमेंबर दैट वर्ब मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द न्यू सब्जेक्ट. आवर थर्ड स्टेप इज चेंज ऑफ टेंसेज. सो फ्रेंड्स, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में डू आए, डज आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आए,
मतलब प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, सिंपल प्रेजेंट आए तो पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हम चेंज करते हैं इज एम आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव अगर आए आपका तो उसके साथ केवल बीन लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या डिड आए उसको चेंज करते हैं वॉज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर वॉज या वर है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ केवल बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। प्रेजेंट परफेक्ट में सॉरी पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आए आपका तो उसके साथ केवल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आए तो उसके साथ केवल बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मॉडल ऑक्सिलरीज कैन कुड मस्ट डेयर ऑट नीड इन सभी के साथ केवल और केवल वर्ब सॉरी बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। तो रूल्स को याद करना बहुत आसान है, आपको केवल दो टेंसेस को याद रखना जरूरी है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, अदरवाइज आपका टेंस चेंज नहीं होता। इसको याद करना, अगर आपके सेंटेंस में डू डज डू या डज आए तो उसे चेंज करते इज एम आर में, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आए तो उसे चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, अदरवाइज इज एम आर या वॉज वर एक्टिव वॉइस में हो तो उनके साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव अगर ये आए उनके साथ बीइंग और मॉडल्स के साथ हम बी लगाते हैं, तो इनको याद रखना काफी आसान है। आगे हम बात करेंगे कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे हम। सो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज करते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई लाइक हर। हम स्टेप वाइज स्टेप इसको सीखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, हर का सब्जेक्ट सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो हम चेंज करेंगे इज एम या आर में से, सी सिंगुलर है इसके साथ इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म सी इज लाइक्ड और एजेंट ऑफ द एक्शन डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम प्रेपोजिशन बाई लगाते हैं, बाई और आई का ऑब्जेक्ट मी। यहां पर बाई मैं बता दूं कि ऑप्शनल होता है, कई बार बाई की जगह दूसरी प्रेपोजिशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। सेकेंड ही टीचेस अस इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, अगर आपके दो ऑब्जेक्ट हो तो तब कैसे बनाओगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की मदद से आप सेंटेंस बना सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम एक तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पर्सन से रिलेटेड प्रोनाउन और थिंग से रिलेटेड कोई आपका ऑब्जेक्ट है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। पहले हम अस से बनाते हैं, अस का सब्जेक्ट हुआ वी, टीचेस प्रेजेंट इनडेफिनिट को कॉन्टिन्यूस में वी के साथ आर, We are teach taught 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 English by और he का object him। दूसरे ढंग से हम कैसे बना सकते हैं, English है, English is taught to us by him। यहां पर एक चीज ध्यान रखने की है कि जब हम indirect object को रखते हैं तो उससे पहले हम टू लगाते हैं। थर्ड आर द रनिंग रेस, अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो किसे कैसे चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव ही रहने देते हैं हम। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं फिर सब्जेक्ट लगाते हैं फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा ए रेस यानी कि नया सब्जेक्ट, ए रेस हमारा सिंगुलर है तो हम इसे चेंज करेंगे इज में, इज अ रेस, वर्ब की थर्ड फॉर्म रन रेन रन, रन बाय, दे का ऑब्जेक्ट हुआ दे देयर देम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट इज व्हाई हैव यू मिस्ड द ट्रेन, अगर आपका क्वेश्चन
sentence, interrogative sentence, why se start ho? Because there are two kinds of interrogative sentences, yes no answer type or WH question words. So WH word ko hum as it is rakhte hain, uske baad has hai hua hai, aapka object hai the train, use subject banaiye why, sorry. इसके बाद हम helping verb लगाते हैं, train के according helping verb लगेगी, why has the train, has have के साथ हम लगाते हैं been, has the train been missed by you का object you ही रहता है. Next, who teaches you English, who से start होने वाले sentences को हम who को change करते हैं by whom में. So by whom हमारी helping verb आएगी is या is am या are में से कोई एक. By whom is English taught to you, sign of interrogation. इसमें भी हमारे दो object हैं, हम दूसरे sentence से भी बना सकते हैं. By whom are you taught English, both are correct. Next is type this letter. अगर आपका sentence is imperative है, imperative मतलब C-A-R-O, car से आप याद रख सकते हैं, C for command, A for advice, R for request और O for order. अगर ये भाव आए, दूसरा एक और पहचाने का तरीका कि वाक्य की शुरुआत में आपकी verb मिलती है, जैसे कि type the letter, open the door, bring me a glass of water, उनको हम चेंज करते हैं. अगर आपकी कमांड है तो लेट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि हम लेट से इसको बनाते हैं, या आपकी वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, लेट दिस लेटर बी टाइप्ड, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. सपोज करो अगर सेंटेंस ये आ जाए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज और काइंडली जब आ जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि रिक्वेस्ट की गई है. हम चेंज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड और वर्ब प्लीज और काइंडली वर्ड खत्म हो जाते हैं टू हेल्प मी. अगर आपका सेंटेंस हो वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट इज आई नो हिम, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट है आपका ही, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में चेंज करते हैं, ही इज नोन टू, आई का ऑब्जेक्ट मी. कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ हम बाई नहीं लगाते, जैसे कि नो के साथ टू, सेटिस्फाई विद, कंटेन, इन, सरप्राइज्ड, at, etc. जब ये वर्ब जाती हैं तो by के अलावा with, in, at आदि prepositions का हम इस्तेमाल करते हैं. So friends, I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है. मैंने और भी बहुत सारे sentences description में लिख दिए हैं ताकि आप उनकी study कर सको. So please keep watching and supporting. Thank you.